जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग आमने छार और लेवन के बारे में जानने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है सारा आपका प्रश्न सुलभ होगा। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है या ग्रुप डी से रिलेटेड टॉपिक है या जो भी प्रश्न है वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ऑलरेडी आपको आमने छार लेवन से टॉपिक प्रोवाइड कर दिया गया और इससे रिलेटेड प्रश्न भी प्रोवाइड कर दिया गया। आज हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि अम्ल क्षार लवण क्या होता है। तो अम्ल कहने का मतलब है जिसका पीएच मान एक पीएच का स्केल है उस पर नापा जाता है कि किसका पीएच मान कितना है। और वहाँ पे एक मतलब निर्धारित कर दिया गया है कि अगर किसी का पीएच मान 0 से लेकर 7 तक रहेगा, यानी 7 से कम तक, तो उसको बोलेंगे अम्लीय, 7 रहेगा तो बोलेंगे उदासीन, और 7 से अधिक यानी 14 तक तो उसको बोलेंगे क्षारीय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केल है, हम स्केल बना दिए हैं पेन से। तो यहाँ से लिखा है कि 0 से लेकर कहाँ तक लिखेगा, 14 तक। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अम्ल कहाँ से कहाँ तक है, क्षार कहाँ से कहाँ तक है और उदासीन कहाँ से कहाँ तक है। तो 7 से नीचे जाइएगा तो उससे बोलते हैं अम्लीय, और 7 से ऊपर जाइएगा तो उसको बोलते हैं क्षारीय। 7 से नीचे जाइएगा तो क्या होगा, अम्लीय। 7 से ऊपर जाइएगा तो क्षारीय, और 7 में रहिएगा तो उदासीन। 7 से नीचे जाने के कहने का मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा तो अम्लीय का मान बढ़ेगा। 7 से जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा अम्लीय का मान बढ़ेगा, यानी सबसे अधिक अम्ल कहाँ होगा, 0 पे, उससे थोड़ा कम 1, उससे थोड़ा कम 2। मतलब यहाँ से 0 से जैसे जैसे आगे चलिएगा अम्लीय का मान घटेगा, और 7 से जैसे जैसे नीचे आइएगा अम्लीय का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि आप 7 से नीचे आइएगा 0 तक तो अम्लीय का मान बढ़ेगा, और 0 से 7 की ओर जाइएगा तो अम्लीय का मान घटेगा। उसी तरह से 7 से ऊपर जाइएगा यानी 14 की तरफ तो क्षारीय का मान बढ़ेगा, तो क्षारीय का मान बढ़ेगा, और 14 से नीचे आएगा तो क्षारीय का मान घटेगा। यानी आप यहाँ पे कॉमन सेंस ये भी लगा सकते हैं कि अगर हम 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीय का मान बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब है इधर क्या होगा, अम्लीय होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर क्षारीय का मान बढ़ेगा और 14 से जैसे नीचे आएंगे क्षारीय का मान घटेगा। तो आप हमें एक कमेंट करके बताइए कि सबसे अधिक क्षारीय कहाँ होगा, तो बोलिएगा सर 14 पे, जिसका पीएच मान 14 होगा सबसे अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ऊपर जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे क्षारीय का मान बढ़ेगा, और 7 से जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे अम्लीय का मान बढ़ेगा, तो सबसे अधिक अम्ल कहाँ होगा, 0 पे होगा, उससे भी थोड़ा कम कहाँ होगा, 0.1 0.2 ऐसे होगा। तो हम उतना नहीं बताएंगे, उतना आपको खुद से दिमाग लगा लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, इतना तो आप समझ सकते हैं आसानी से, आप इतना आपके पास समझ होगा। तो यहाँ आप 0 से 7 को और जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय के मान घटेगा। 7 से नीचे जाएंगे यानी 0 की तरफ अम्लीय के मान बढ़ेगा, 7 से ऊपर जाएंगे यानी 14 की तरफ क्षारीय का मान बढ़ेगा, और 14 से 7 की तरफ आएंगे तो क्षारीय का मान घटेगा, और 7 पे रहेगा तो उदासीन रहेगा, 7 पे क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है परवल अम्ल परवल क्षार, और उसका पीएच मान भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो परवल अम्ल परवल क्षार का पीएच मान पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी नोट कर दिए हैं कि 0 से लेकर 3.5 तक जिसका पीएच मान होगा उसको बोलेंगे परवल अम्ल। परवल अम्ल का उदाहरण क्या हो जाएगा, H2SO4HCl और HNO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। परवल अम्ल कहने का मतलब कि अम्लीय ज़्यादा रहेगा, यानी किसी भी अम्लीय क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा परवल अम्लीय सब। और दुर्बल परवल कहने का मतलब कि मजबूत, और दुर्बल कहने का मतलब है कमजोर। कभी कभी परवल का जगह क्या लिख देता है, तीव्र लिख देता, और दुर्बल का जगह वहाँ पर उसका विपरीत लिख मंद लिख देता है। परवल कभी कभी क्या लिख देता है, तीव्र अम्ल, और दुर्बल को कभी कभी मंद अम्ल लिख देता है। तो हम सारा आपको बताते चल रहे जो प्रश्न है जिससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। 3.5 यानी 3.5 से लेकर 7 तक इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। इसका उदाहरण क्या क्या है, CH3COOH, इसी को बोलते हैं साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसको बोलते हैं, HCOOH, H2CO3, ये आप याद रखिएगा, इसको तो आप जरूर याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जाता है, और इसको भी आप याद रखिएगा। उदासीन कितना पे होता है, 7 पे होता है, जैसे में जल, वर्षा का जल, ये सब क्या उदासीन है। 7 से लेकर 10.5 तक क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। दुर्बल क्षार का उदाहरण क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, अमोनियम बोल रहे, NH3 रहेगा तो उसको बोलते हैं अमोनिया, और NH4 रहेगा तो उसको बोलते हैं अमोनियम। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH के हाइड्रोजन 2OH, और यहाँ हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के हाइड्रोजन 2, इसी को बोलते हैं
बुझा हुआ चूल्हा, बिना बुझा हुआ चूल्हा नहीं, बुझा हुआ चूल्हा। बुझा हुआ चूल्हा कहने का मतलब पानी ऑलरेडी हम डाल दिए, तो पानी में क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या सी ए ओ एच को हाइड्रोजन टू, यानी क्या है बुझा हुआ चूल्हा। और बिना बुझा हुआ चूल्हा का सूत्र बोलेगा तो सी ए ओ, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे दुर्बल क्षार का उदाहरण क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच, सी ए ओ एच का हाइड्रोजन टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके आगे जाइएगा तो 10.5 से लेकर 14 तक प्रबल क्षारों का इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको याद रखिएगा। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है जिसको जान लेते हैं। अम्ल जो प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, एच प्लस तेजी से देगा, और दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे जो एच प्लस धीरे धीरे देगा। और प्रबल क्षार किसको बोलेंगे जो ओ एच माइनस तेजी से देगा, और दुर्बल क्षार किसको बोलेंगे जो ओ एच माइनस धीरे धीरे देगा, यानी धीमा धीमा देगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल होता है जो क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, ए बी आर सी याद रख सकते, एसिड ब्लू टू रेड, यानी एसिड जो होता है नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ब्लू टू रेड। और जो क्षार होता है क्या करता है, बेस यानी रेड टू ब्लू उल्टा होता है, यानी लाल को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, कौन क्षार। इतना तो आप समझ गए। और कुछ इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है वैधर्मी ऑक्साइड के बारे में वो पूछ दिया जाता है। वैधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब है कि जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करे। वैधर्मी ओहाय का मतलब ही होता है कोमल, जहाँ भी आप ओहाय देखिएगा, ओहाय ओहैली या ओहैचर या ओहैनिष्ठ गुणनखंड, ये सब क्या, ओहाय का मतलब ही होता है कोमल। तो ये कुछ जो वर्ड है उसको आप याद रखें जो आपको एग्जाम में काम है, ओहाय का मतलब क्या, तो कोमल। तो यहाँ वैधर्मी कहने का मतलब दोनों में अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करें। तो वैधर्मी ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल है जो प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड एग्जाम में, Al2O3ZnO(PbO2), आप इसको याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप याद रखिएगा। तीन ही है जो वैधर्मी से प्रश्न पूछा जाएगा। परवल अम्ल कहने का मतलब जो एच प्लस तेजी से देगा, और परवल क्षार कहने का मतलब ओ एच माइनस तेजी से देगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि जब परवल अम्ल और परवल क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यानी अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, दो मान लीजिए व्यक्ति हैं जो दोनों मजबूत हैं, तो दोनों मजबूत रहेंगे तो कोई भी नहीं। मान लीजिए किसी वस्तु को ढकेल रहे हैं और दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ढकला किसी मतलब जहाँ वस्तु वहीं रहेगा, तो क्या हो गया, यानी उदासीन हो गया, मतलब किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आया। या आप ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए कि पानी हम लेते हैं और पानी में हम मिलाते हैं नमक और चीनी, तो जिसका मात्रा अधिक होगा उसी टाइप का लगेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर पानी में नमक का मात्रा अधिक होगा चीनी से तो नमकीन लगेगा, और पानी में नमक की मात्रा से चीनी का मात्रा अधिक होगा तो मीठा लगेगा, और दोनों का मात्रा बराबर होगा तो उदासीन लगेगा, ना मीठा लगेगा ना क्या लगेगा ना नमकीन लगेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि जिसका मात्रा अधिक होगा उसका प्रभाव आएगा बिलियन में, यानी जिसका मात्रा अधिक होगा उसका प्रभाव कहाँ आएगा, बिलियन में आएगा। अगर बिलियन में चीनी का मात्रा अधिक है तो क्या लगेगा, मीठा लगेगा, और नमक का मात्रा अधिक है तो नमकीन लगेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि परवल अम्ल और परवल क्षार यानी दोनों क्या है, बराबर है, तो किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, उदासीन और लवण। इसका जो एग्जाम्पल है उदासीन या लवण, इसका जो एग्जाम्पल जो प्रश्न पूछा जाता है HCl, ये क्या है, परवल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, परवल क्षार है। जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, नमक यानी NaCl, लवण और जल, लवण और क्या बनता है, जल बनता है। तो आप याद रखिए कि परवल अम्ल और परवल क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण और साथ में जल बनता है। तो HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O यानी जल बनेगा, आप इसको याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो आपको बताइए इसमें मात्रा किसका है, परवल कहने का मतलब मजबूत, तो परवल अम्ल है, तो यहाँ पे जो लगेगा कैसा लगेगा, अम्लीय लगेगा। हम आपको बताएं कि जिसका मात्रा अधिक होगा उसी का स्वाद लगेगा, तो यहाँ पे कैसा लगेगा, अम्लीय लगेगा। नेक्स्ट है कि दुर्बल अम्ल और परवल क्षार, दुर्बल अम्ल और परवल क्षार, तो यहाँ पे परवल क्षार है तो कैसा लगेगा, क्षारीय लगेगा, क्योंकि जो ज़्यादा होगा उसी का स्वाद लगेगा। आप याद रखें, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ये होता ही नहीं है, ये क्या, ये होता नहीं, नोट रिएक्शन आप लिख दें, यानी ये होता ही नहीं है। आप इसको जैसे ही देखेगा ऑप्शन को काट दीजिएगा, तो ये होता ही नहीं है। नेक्स्ट है अम्ल का क्रम कुछ यहाँ पे दे दिए हैं जो एग्जाम्पल से रिलेटेड है, HClO4,
HClO3, HClO2, HClO। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा जितना अधिक है, क्योंकि HCl सभी में कॉमन है, तो जिसमें जितना ऑक्सीजन का मात्रा अधिक हो वह अम्लीय हो रहा कि नहीं अम्लीय, क्योंकि O इसमें 4 है, O इसमें 3, O इसमें 2 है, ये यहाँ सिर्फ O है, बाकी तो HCl सभी में कॉमन है। ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला HI, HBr, HCl, HF, यानी सबसे अधिक अम्लीय HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF, यानी ये चारों ऑप्शन में से अगर ये चारों रहेगा तो सबसे अधिक अम्लीय HI। यहाँ पे एक और याद रखिएगा, HF एक क्या होता है, ये जो अम्ल है कांच पे लिखने में काम आता है, कौन? HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, कांच पे लिखने में काम आता है, आप इसको याद रखिएगा। और HCl कहाँ? अमाशय में स्रावित होता है, आप याद रखें, इसको आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं, पूछा गया है और इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, और इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन सकता है या जितना भी बनेगा सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया, वही प्रश्न हम यहाँ ऐड किए हैं जो आपसे नहीं बन सकता या थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी प्रश्न सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको बनाइएगा, आसानी से आपसे बनेगा। जैसे मान लो प्रश्न पूछा जाए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये तो आपको याद करना है, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो ये सब क्या करना है, याद करना आपको, तो आप याद कर लें। जैसे मैं पूछा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब क्या है, याद करने वाला, ये सब समझने वाला चीज़ नहीं है, तो जो याद करने वाला चीज़ है उसको हम सीधा आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया, तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी इन पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कुछ प्रश्न हम ऐड किए उसको सोल्व कर देते हैं। खाने का नमक यानी NaCl कैसे बनता है, तो हम अभी आपको तुरंत बताएं, जस्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि परवल अम्ल और परवल क्षार से क्या बनता है, NaCl, यानी HCl प्लस NaOH जब अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस साथ में जल बनेगा, तो यहाँ तो वही तो पूछा गया, नमक कैसे बनता है, परवल अम्ल यानी एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बनता है। ये सारा जो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी प्रश्न जो देख रहे हैं, सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही आंसर लगा हुआ, क्योंकि वहीं से यहाँ आप ऐड किए। NaCl एक लवण है, वही प्रश्न सेम प्रश्न, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका कुछ और है, यहाँ पे लिखा तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार, तो हम अभी आपको क्या बताएं कि परवल अम्ल को तीव्र भी लिखता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डॉट का लवण है, पीएच मान 12 कहने का मतलब 7 से अधिक है, और हम आपको बताएं कि 7 से अधिक कहने का मतलब है क्षारीय, तो क्षारीय कहने का मतलब है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, क्षारीय कहने का मतलब है, क्षारीय कैसे होगा, जब परवल क्षार होगा, जब क्षारीय कब बनेगा, दो चीज जब भी अभिक्रिया करेगा तो जिसका मात्रा अधिक होगा उसी टाइप का स्वाद लगेगा, नमक और चीनी जल में हम दोनों मिलाते हैं तो जल का मात्रा अधिक, सॉरी जल का मात्रा तो रहेगा ही, अगर जल में हम नमक और चीनी दोनों मिलाते हैं तो अगर नमक का मात्रा अधिक तो नमकीन लगेगा, चीनी का मात्रा अधिक तो मीठा लगेगा, और दोनों का मात्रा सेम तो किसी का स्वाद नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप बताइए कि 12 कहने का मतलब क्षारीय, तो क्षारीय किस में लगेगा, जब दुर्बल क्षार रहेगा तो क्षारीय लगेगा, नहीं दुर्बल क्षार रहेगा तो क्षारीय नहीं लगेगा, तो ये दोनों ऑप्शन चला गया, परवल क्षार और परवल, यहाँ पर आप ध्यान से परवल अम्ल लिखा और परवल क्षार, तो हम आपको बोले कि जब दोनों मजबूत हो जाएगा तो किसी का स्वाद नहीं लगेगा, लेकिन यह लगना कैसा है, क्षारीय, तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होना चाहिए और परवल क्षार, तब ना क्षारीय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि जब 7 से 14 की ओर जाता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी क्षारीय का मान धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे ही 7 से 14 की तरफ जाएगा, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्षारीय का मान बढ़ता है, तो क्षारीय का मान बढ़ता है कहने का मतलब क्षारीय अधिक कौन होगा, जो OH-33 से देगा सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो यहाँ बताइए OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, क्षारीय कहने का मतलब होता है कि OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डॉट होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना है, तो 14 दिया गया, 7 दिया गया, 1 दिया गया, तो 1 से भी ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, 0,
ऑप्शन नंबर डी, अगर जीरो नहीं रहता तो क्या लगाते, एक लगाते। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना कि कौन सबसे अम्लीय है। जैसे मैं अगर ऑप्शन दे देता जीरो या जीरो मान ली कि नहीं देता और दे देगा एक तीन चार पाँच, तो इसमें चुनना सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो इसमें चुनेंगे एक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट है कि एक बिलियन लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है, यानी लाल को नीला कर देता है, तो हम आपको अभी बताएं जस्ट एक कि जो लाल को नीला करेगा कौन करेगा, BRB यानी बेस रेड टू ब्लू, यानी लाल को नीला करेगा तो कौन करेगा, बेस। और बेस कहने का मतलब क्षारीय, क्षारीय कहने का मतलब क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक ये सब है क्या, नहीं है, ये सब क्या है, अम्लीय। तो यहाँ पर आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय, तो क्षारीय चेंज क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला लिटमस में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन क्षारीय नहीं है, तो यहाँ पे दो जो एग्जांपल आप याद रखें उसी से रिलेटेड पूछा जाए, क्योंकि क्षारीय देखने में लगता है लेकिन क्षारीय रहता नहीं है, कौन कौन है, तो CH3OH एक याद रखेगा, CH3OH इसको बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल, और एक होता है C2H5OH, देखने में है OH लेकिन क्षारीय नहीं है, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है, अल्कोहल ग्रुप का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, और जो अभी हम आपको बताएं CH3OH उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्न में से विषम की पहचान करें, विषम की पहचान करने का मतलब है कि NaOH, CuOH, NH4OH, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से दें जेडेन, तो जेडेन क्या है, वह धर्मी ऑक्साइड है, यानी अम्ल और क्षार दोनों से भी क्रिया करता है, बाकी यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सब क्या है, क्षारीय है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, लास्ट में आप ध्यान से पढ़िए सही नहीं पूछा गया, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही है, या जलीय अथवा द्रव विलयनों में OH माइनस आयन निर्माण करता है, भी सही है, इनका स्वाद कसैला होता है यानी कड़वा होता है, ये भी सही है, नीली लिटमस को लाल कर देता। जब भी आप ध्यान से देखें कि दो पॉइंट एक ही के बारे में बताएगा, दोनों अपोजिट है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है लाल लिटमस को नीला करता हूँ, यहाँ पे लिखा है नीले लिटमस को लाल करता, यानी कहने का मतलब एक ही व्यक्ति अगर किसी को बोल रहा है, एक बार बोल रहा है कि तुम अच्छा हो, वही व्यक्ति बोल रहा है कि एक बार बोल रहा है कि तुम खराब हो, यानी कहने का मतलब को किसी में से एक ही बात उसका सही होगा, अरे एक ही व्यक्ति किसी को ये बोल रहा है कि तुम अच्छा हो और फिर वही व्यक्ति बोल रहा है कि तुम खराब हो, इसका कहने का मतलब है कोई एक ही सही होगा, बात को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है लाल लिटमस और यहाँ पे गया नीला लिटमस को लाल कर देता है, यानी किसी में से कोई एक ही सही होगा, तो ये जो लिखा गया नीले लिटमस को लाल कर देता ये क्या है, किसका गुण है, अम्ल का, लेकिन है क्या क्षार, तो यहाँ पे चुना था नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये किसका गुण है, क्षार का। नेक्स्ट है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम, यहाँ पे कम H+ आयन देता, यानी कम देगा तो हम आपको बोले थे कि दुर्बल अम्ल, जो H+ तेजी से देगा प्रबल अम्ल, और जो H+ कम देगा यानी धीरे धीरे देगा उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल, ये तो क्या है प्रबल अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल अम्ल है, यहाँ पे दुर्बल अम्ल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो SO2 अम्लीय है, NO2 अम्लीय है, SO3 अम्लीय है, एक कैसा होता है, तो उदार क्षारीय प्रकृति का होता है CO, CO कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का, जब भी जिसमें 2 लग गया ऑक्सीजन में 2, तो ये कैसा हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का, और जो सिंगल O रहेगा जिसमें O मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कैसा होता है क्षारीय प्रकृति का, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसा होता है अम्लीय प्रकृति का, जिसमें ऑक्सीजन 2 लग जाएगा या 2 से 1 से मतलब अधिक, तो यहाँ पर आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।